बिना किसी औपचारिकता के मंच और मंच पर उपस्थित तथा इस सभागृह में सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम करते हुए बात प्रारंभ करता हूँ। प्रेस क्लब में हम लोग बैठे हुए हैं, एक पत्रकार के नाते अंजनी जी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे मध्य हैं। तो आतंकवाद को बढ़ावा कैसे दिया गया, किसने दिया, अभी डॉक्टर सक्सेना जी ने एक बात कही, तो हमें लगता है कि आज हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए। प्रवीण जी की जयंती पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आतंकवाद का समाधान के साथ साथ पत्रकार के दायित्व पर भी हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनको मिसाइल मैन कहा गया, उनकी मृत्यु और एक आतंकवादी को फांसी। आप समाचार पत्र देख लीजिए और जितने चैनल हैं उनको देख लीजिए और फिर समीक्षा करिए कि कितना परसेंट कवरेज आतंकवादी को दिया गया और कितना स्थान ऐसे देशभक्त को दिया गया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी इसके पहले बहुत सी बातें हुई, पेड न्यूज की चर्चा हुई। अभी कल मैं एक वार्ता सुन रहा था इसी चैनल पर, बोले 70 दिन हो गए हड़ताल चल रही है, केवल इस बात के लिए कि एक डायरेक्टर साहब या चेयरमैन साहब का की नियुक्ति कर दी गई, तो वहां के छात्र कह रहे हैं कि साहब ये नियुक्ति अवैध है और उसके लिए फिर बहुत लोग आ गए। अब तक मुझे भी नहीं पता था, आप सब जानते हैं गजेंद्र चौहान की बात आई तो हम भी यही समझते थे कि फिल्म इंस्टीट्यूट है। लेकिन कल एक वहां पर जो विशिष्ट वक्ता थे उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, इतने दिन हो गए हड़ताल करते हुए, लाखों रुपया एक विद्यार्थी पर खर्च किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ऐसा टेलीविजन का आदमी है। बोले उसका नाम है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, केवल फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं और 70 दिन हो गए और वहां पर इसी बात पर झगड़ा चल रहा है, ये कौन बढ़ावा दे रहा है। अब वो वहां से आकर के दिल्ली आ गए, दिल्ली में उन्होंने हड़ताल को, अब कहा जा रहा है कि अच्छा तुम आ जाओ, तुमको वहां पर परेशानी है तो हम यहाँ जगह दे देते, यहाँ इंस्टीट्यूट खोल लो। तो ये जब तक देश के अंदर इस प्रकार की बात होगी तो आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता। फांसी दे दी गई, चाहे 23 वर्ष लगे हो, लेकिन जब फांसी दे दी गई तो फांसी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर उसके बाद क्या बच जाता है। लेकिन उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बहुत विद्वान है, वो बहुत समझदार है, लेकिन जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहता है, जितना इस देश को इस बुद्धिजीवी वर्ग ने बिगाड़ा है उतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश को बिगाड़ने का काम नहीं करता है। तो हमारे उन बुद्धिजीवियों को ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हम क्या चाहते हैं। मतलब कल सवेरे फांसी दी जाने वाली है और आज रात को 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, 40 MP जा रहे हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए, क्या इस तरीके से आतंकवाद को हम बचा पाएंगे। एक बार मुरारजी देसाई जी से प्रश्न पूछा गया कि आतंकवाद का सीधा समाधान क्या है, बोले सीधा समाधान यह है कि जो आतंकवादी पकड़ा जाए उसको गोली मार दी जाए, दूसरे दिन से दूसरा आतंकवादी पैदा नहीं होगा। और हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में आतंकवाद की जाति पूछी जा रही है, हमारे देश में आतंकवाद की भाषा पूछी जा रही है, हमारे देश में आतंकवाद की का धर्म पूछा जा रहा है और उसके बाद में फिर उसके लिए एकजुट होकर के उसका निषेध करने की बात हो रही है। कहां से आतंकवाद को जीत पाएंगे।
आतंकवादी अभी पकड़ा नहीं गया है, मीडिया चाहे शुरू हो जाता, कोर्ट में बात चल रही है, हर चीज में अब कोर्ट की दखलंदाजी शुरू हो गई। हमारे देश का कानून अब बेकार हो गया, हमारे देश का संविधान अब बेकार हो गया। अभी जैसे किसी ने यहाँ पर जब बात आई थी, अभी पढ़ा गया प्रस्ताव, और उसके बाद द्रोण जी ने कहा कि हमारे देश के कानून इतने सक्षम है लेकिन उन कानूनों को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बीच में डालमिया जी बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि जब राज्यपाल यहाँ पर आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तो नवीन मार्केट के यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं होता, वही पुलिस है, वही अतिक्रमण हट जाता है, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो फिर अतिक्रमण कैसे हो जाता है? क्या कानून बदल गया? क्या अतिक्रमण करने की छूट हो गई या संविधान में उनको कोई अधिकार मिल गया? तो हम अपने दायित्व का अगर निर्वाह ठीक से करें, संविधान में दी गई शक्तियों का हम अनुपालन ठीक ढंग से करें, और आतंकवाद को आतंकवादी की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण अगर हमारे समाज का हो जाए तो मैं समझता हूं कि इस देश से आतंकवादी समाप्त होना कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज और, हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे तो पोखरण में उन्होंने एक विस्फोट किया और उसके बाद में पूरे विश्व में बड़ा तहलका मच गया। और सबसे ज्यादा जो जैसे कहते हैं कि बड़ी अम्मा बनी हुई है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। आईआईटी में डॉक्टर एच सी वर्मा है फिजिक्स के, तो उसी समय यहाँ पर डीजी कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था, उसमें उनको बुलाया गया था और उसी विषय पर वो बोले। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका को इसलिए कष्ट हो गया कि भारत ने एक परमाणु का विस्फोट कर लिया? बोले हम कोई अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बने। बोले अमेरिका को कष्ट ये हो गया कि हम तो बहुत बड़े बड़े हथियार बनाते रहे लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रयोग करेंगे तो पूरे विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बोले भारत ने इतने छोटे परीक्षण कर लिए, इस तरह के अणुबम बना लिए कि हम दूसरे देश के ऊपर तो मार कर सकते हैं लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं होगा। ये प्रौद्योगिकी भारतवर्ष ने जो विकसित की और उसका जो प्रयोग किया इस कारण, और उसके बाद उन्होंने कुछ जो तथ्य रखे वो तथ्य इतने भयावह थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र उनका यह है कि हमारे सबके लिए विश्व को दिखाने के लिए उनका एक चरित्र है और अपने देश की रक्षा के लिए दूसरा चरित्र है। उन्होंने अपनी सेना को जो संदेश दिया था उन्होंने उसका वहां पर दिखाया था, उसको वो पूरी इबारत उन्होंने पढ़कर बताई थी क्या था। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका का प्रेसिडेंट जो विश्व के सामने बात कह रहा है वो हमारे देश की सेना के लिए नहीं है, वो बात वो विश्व के लिए है, लेकिन हमारे देश की सेना के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको मानने की आवश्यकता है। मतलब हम हमारे दांत दिखाने वाले दूसरे हैं, खाने वाले दूसरे हैं, हमको संदेश दूसरा दिया जाता है उनके लिए दूसरा है। तो आतंकवाद से निपटने के लिए सीधा और सरल उपाय यह है कि जो आतंकवादी दिखे उसका तुरंत ट्रायल किया जाए और उसको दंडित किया जाए, उसके बीच में किसी भी प्रकार के बाधा उत्पन्न नहीं की जाए। और दूसरी चीज जो बीच में एक वक्ता ने या किसी ने बताया था कि हम जब शक्ति संपन्न होंगे, जैसे आपने भी बताया कि डाका उनके यहाँ कभी नहीं पड़ता, तो जब हम शक्ति संपन्न हो जाएंगे, बाहुबली हो जाएंगे, तो ये आतंकवादी अपने आप दूम दबाकर भागेंगे। और हमें इस बात के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हम सब लोग, हमारे निवासी जब चरित्रवान बनेंगे और देश के अंदर इस प्रकार का भाव निर्माण होगा कि हम शक्ति संपन्न बने, जब हम शक्ति संपन्न बनेंगे तो कोई ताकत नहीं कि हमको आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद के समाधान के लिए सीधा एवं सरल उपाय यह है
कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करें और आतंकवाद के साथ साथ आतंकवादी को समाप्त करें, तब हम समझते हैं कि आतंकवाद से हमें समाधान मिल सकेगा। धन्यवाद। हम फिर से हम व्याख्यान सुन रहे हैं। हाल ही में हुए दो रचनाकार ऐसे हैं जो आतंकवाद पर अपनी कुछ पंक्तियां आपको देंगे। उन्हें मैं सर्वप्रथम सही कर दिया गुप्त सलीम को हुए हैं और उसके बाद में श्री हेगल मिलेंगे कि हम पता सुनेंगे तो प्रचार नहीं पर मैं